आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 ही बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चलाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की कि भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियों की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीजें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई हैं, किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि सिरे कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें कि वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा न बेरोजगार की बात करेंगे, किसी की बात नहीं। मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का माया जाल बना करके दे दिया, और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, कि ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला, ये बहुत ही गलत बात। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना, आपको क्या क्या मिला, किस किस विधायक को, यहाँ से हम 50 एक एक बजट में 50-50 चीजें एक एक विधानसभा में और जिले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या क्या मिला है, इनको पूछो तो सही है। तो ऐसे ही ताड़ियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको इसका, इसका हाँ, ये बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं, उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया, अब खेला किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। ये पूछ रहा था, ये दूसरे वर्ग की वो तो
अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो जरूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं बीजेपी वाले आधे पड़े जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और बजट जी का अचानक से मिलना और पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में मिलना। नहीं, तंज नहीं कसा, मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ, 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। तो दूसरा जी, जो बजट है ये वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण है? इसके लिए, अरे कुछ तुष्टिकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना, ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना इसने, अल्पसंख्यक का शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर में है, उसको कुछ नहीं दिया? हाँ, कुछ नहीं देंगे अपन, 4 साल बाद में अपन देंगे। थैंक यू।